उसका वित्तपाश फेंको। समस्त जगत के गुण गुणों को दूर सद गुणों का प्रसार करने वाला कर्मकार मैं ओंकार माता पार्वती का कांतिमान श्रीमुख देखकर भोलेनाथ आनंदित हो जाते, किंतु तभी वातावरण में मृकनो ऋषि की पत्नी देवी सुप्पा की करुणकार घूम जाती है। देवी सुप्पा को मृकनो ऋषि की शिवाराधना कर धैर्य धारण करने के पश्चात महान पुत्र की प्राप्ति के वरदान की सफलता पर स्वयं देवी पार्वती को संदेह रहता है। देवी पार्वती के वरदान की रक्षा के लिए भोलेनाथ मृकनो ऋषि को दर्शन देकर हठ योग से विमुख होने का परामर्श देते हैं। उधर देवी सरस्वती व देवर्षि नारद ब्रह्मदेव से यह सुनकर चकित होते हैं कि मृकंडु का पुत्र अल्प आयु होगा। निश्चित रहो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी। सुतपा के पास जा रहे थे। हाँ स्वामी, एक माँ की वेदना एक माँ ही जान सकती है। स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मातृत्व। यदि उसका मातृत्व संकट में पड़ जाए तो स्त्री का जीवन दुख के सागर में डूब जाता है। इस संसार माँ के हृदय में करुणा और मातृत्व का जो संचार है उसका केंद्र तुम ही, इसीलिए जगत के प्राणी तुम्हें जगदम्बा कहते हैं। स्वामी, बातों में कई मार्कंडेय के प्राण संकट में न पड़ जाए, मुझे जाने की आज्ञा दे। नहीं, वहां जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं, वहां न जाना उचित। एक माँ की वेदना असहनीय होती है स्वामी, मुझे स्वयं जाकर उसे आश्वस्त करना ही होगा। अन्यथा अन्यथा क्या दे? अन्यथा मार्कंडेय के जीवन पर आए संकट से वो पति रुदा मगर जिसे आहत होकर कहीं मृत्यु को ही शापित न कर देता। ऐसा कुछ नहीं घटेगा बहु। उस मायावी मार्कंडेय पर जब पाश फेंका तो उसके सामने के शिवलिंग से भयानक ज्वालाएं निकली। जब पाश में पलट कर परिंद ने हार किया, मेरा मित्र यंदूर अभी भी वहां अचेत पड़ा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत प्राण लिए बिना लौटे हो। ये अक्षर से सत्य है स्वामी। शांत रहो, तुम्हारी पराजय ने यमलोक की परंपरा को कलंकित किया है जिससे हम अधिक चिंतित हैं। अब हम स्वयं मायावी मार्कंडेय के प्राण हरने जाएंगे। स्वामी हम यदि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया गया तो तीन लोगों में अराजकता फैल जाएगी। प्राणी के मृत्यु में एक क्षण का विलंब ही सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा।
काश हम स्वयं जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयं यमदूत भी उस मायावी चमत्कारी मारकंडे के प्राण हर पाएंगे। दूत, मृत्यु से आज तक मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया होगा वही जो नियंता की इच्छा हो। नारायण नारायण, अपने पुत्र नारद